पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने फाजिल्का का दौरा किया। फाजिल्का जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचने पर जिला उपायुक्त डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल और एसएसपी भूपिंदर सिंह ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की और पौधे भी लगाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी लोक सेवक के रूप में कार्य करें और कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक पीड़ित की शिकायतों को सुनने के बाद उन्हें नियमानुसार न्याय दिया जाए। उन्होंने विभाग प्रमुखों से जनता की बात सुनने और बिना किसी सिफारिश के हर जरूरतमंद की मदद करने को कहा। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचे और विकास अनुदान की राशि को ईमानदारी से खर्च किया जाए। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का भी आग्रह किया। वहीं इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने कैबिनेट मंत्री को जिले में चल रहे विकास कार्यों से अवगत कराया और आश्वासन दिया कि सभी विभाग सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप दिए गए लक्ष्यों को पूरा करेंगे। अगली मीटिंग जितना कुछ अपना अब गलत की सर्वे करा कि ठीक है सर।